Yes, so now let us discuss activity number one to show that electrostatic force is a non-contact force. Things needed: a plastic straw, a wooden stand, a sheet of paper and a thread. ठीक है, ये तो चार चीज़ें हमें चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ये शो करने के लिए. मैथड: टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ और उसको हम हाफ कट कर लेंगे. ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. सस्पेंड वन ऑफ द पीसेज फ्रॉम द स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ थ्रेड. जो हमारा वुडन स्टैंड है इसके साथ हम थ्रेड की हेल्प से इसको सस्पेंड कर देंगे एक स्ट्रॉ के पीस को. होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड. अब हम दूसरे पीस को अपने हैंड में रखेंगे. देन रब इट्स फ्री एंड विद अ शीट ऑफ पेपर. अब हमने क्या करना है, शीट ऑफ पेपर पे इसके फ्री एंड को रब करना है. ब्रिंग द रब एंड टू द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ. फिर हम इस जो इस एंड को हमने रब किया है ये हम लेके आएंगे सस्पेंडेड स्ट्रॉ के पास जिसको हमने स्टैंड पे लगाया था. डू नॉट मेक द टू पीसेस टच ईच अदर. हमने पीसेस को टच नहीं करना है, जो स्ट्रॉ के पीसेस हैं इनको टच नहीं करना है आपस में. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. फिर हम ऑब्जर्वेशंस नोट करेंगे. नाउ सेकेंड थिंग जो हमें करनी है, नाउ रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ. अब हमने जो स्टैंड पे लगाई है स्ट्रॉ का पीस इसको भी हम पेपर पीस से रब करेंगे एंड पेपर शीट के ऊपर रब करेंगे और स्ट्रॉ को अपने हैंड में रखेंगे विद अ शीट ऑफ पेपर. ठीक है, अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ दैट इज़ इन योर हैंड नियर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रॉ. अब दोबारा से हम क्या करेंगे, जो हमारे हैंड में हमने होल्ड किया हुआ है स्ट्रॉ का पीस इसको हम लेके आएंगे सस्पेंडेड स्ट्रॉ के पास. फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस नोट करेंगे. अ स्ट्रॉ रब्ड विद पेपर अट्रैक्ट्स अनदर स्ट्रॉ बट इट इफ़ द अदर स्ट्रॉ हैज़ ऑल्सो बीन रब्ड विद द शीट ऑफ पेपर तो ये रिपल करती है. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस है हमारी, यू ऑब्जर्व दैट स्ट्रॉ दैट इज़ इन योर हैंड व्हेन रब विद पेपर अट्रैक्ट द सस्पेंडेड स्ट्रॉ. जब हमने सस्पेंडेड स्ट्रॉ को रब नहीं किया और सिर्फ इसको ही शीट ऑफ पेपर पे रब किया है और हम इसको सस्पेंडेड स्ट्रॉ के पास ला रहे हैं तब हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों स्ट्रॉज जो हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. एंड इन द सेकेंड केस जब हमने इसके फ्री एंड को भी रब किया है शीट ऑफ पेपर पे और इसके फ्री एंड को भी हमने रब कर रखा है शीट ऑफ पेपर पे, अगर हम दोनों को पास में लाएंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि रिपेल हो रहे हैं ये. अगर हम इस स्ट्रॉ के पीस को इसके पास ला रहे हैं तो ये बैकवर्ड जाना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो दिस शोज रिपल्सन. डिस्कशन: द स्ट्रॉ इन योर हैंड इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज. तो जो हमारे हैंड में है स्ट्रॉ इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है जब हम इसको रब करते हैं ऑन द शीट ऑफ पेपर. द स्ट्रॉ हैज़ बिकम अ चार्ज ऑब्जेक्ट. अब जो स्ट्रॉ है ये चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया है. इट अट्रैक्ट्स द अनचार्ज ऑब्जेक्ट. तो ये सस्पेंडेड स्ट्रॉ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. ऑन रबिंग द सस्पेंडेड स्ट्रॉ विद शीट ऑफ पेपर. जब हम सस्पेंडेड स्ट्रॉ को भी शीट ऑफ पेपर से रब करते हैं, यू हैव मेड द सस्पेंडेड स्ट्रॉ ऑल्सो अ चार्ज ऑब्जेक्ट. तो हमने इसको भी क्या कर दिया है, सस्पेंडेड स्ट्रॉ को भी, इसको भी चार्ज कर दिया जब हमने इसको पीस ऑफ पेपर से रब किया है, शीट ऑफ पेपर पे रब किया है. नाउ द स्ट्रॉ इन योर हैंड रब्ड विद पेपर रिपल द सस्पेंडेड स्ट्रॉ रब्ड विद द सेम शीट ऑफ पेपर. क्योंकि दोनों पे ही सेम काइंड ऑफ चार्ज डेवलप हुआ है एंड वी नो लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर. सो कंक्लूजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. Now another non-contact force is gravitational force and this you will this we will discuss in class 9th in detail in chapter gravitation. Every object in this universe attract every other object with a certain force. ठीक है, तो हर object जो universe में है ये किसी दूसरे object को क्या करता है, attract करता है कुछ force से. The force with which two objects attract each other, जिस फोर्स से ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इसी को ही हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट इवन व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कनेक्टेड बाय एनी मींस. जब जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं किसी भी तरह से किसी भी मींस से कनेक्टेड नहीं हैं तब भी ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट करता है. ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. ये पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है. यस, व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स से अ बॉल इट फॉल्स डाउन टूवर्ड द अर्थ. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जैसे किसी बॉल को थ्रो करते हैं अपवर्ड तो ये हम ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट ये फॉल करता है, ये गिरता है टूवर्ड्स द अर्थ की तरफ ये गिरता है. सिंस द बॉल फॉल्स टूवर्ड्स
देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्योंकि जो अर्थ की तरफ जब ये बॉल फॉल कर रही है, गिर रही है अर्थ की तरफ डाउनवर्ड, ये इसका मोमेंट हम देखते हैं तो हम ये नोटिस करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर कोई फोर्स है जिसकी वजह से ये टूवर्ड्स अर्थ मूव कर रही है, और दिस फोर्स इज़ ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। और ये फोर्स किसकी वजह से है? अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन की वजह से, और इसी फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इन अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स अर्थ बिकॉज द अर्थ पुल देम। ठीक है, तो जो चीज़ें हैं ये अर्थ की तरफ क्यों आती हैं? क्योंकि अट्रैक्ट करता है अर्थ इन चीज़ों को, इन ऑब्जेक्ट्स को पुल करता है, और दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और सिंपली वी कैन से इट ग्रेविटी। ठीक है, तो हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो अर्थ अप्लाई कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे, सिंपली उसको हम ग्रेविटी भी कह सकते हैं।